जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, दूसरे राज्य के दस्तावेज होने पर भी आप ड्राइविंग लाइसेंस दूसरे राज्य में जाकर बनवा सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ काम करना होगा। इस वीडियो को पहले शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि ये आपके ही टॉपिक पर है। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन मुझसे पूछा हुआ है पास्ट वहाँ पर फ्यू डेज़ में, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारे पास जो एड्रेस है प्रूफ, या फिर आप रह किसी और राज्य में रहे हैं बट आपका होम स्टेट दूसरा है, तो जहाँ पर आप रह रहे हैं क्या वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपके पास वहाँ से ऑफिशियल जो है वो आईडी प्रूफ्स नहीं हैं, आपके होम स्टेट के आईडी प्रूफ्स हैं आपके। तो क्या ऐसी दशा में आप करंट जो स्टेट में रह रहे हैं वहाँ से डीएल बनवा सकते हैं? नहीं। तो इसके ऊपर मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ कि कुछ वहाँ पर बेसिक वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर वो बनवा पाएंगे आप वहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं बनवा कर, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जहाँ से आप अभी रह रहे हैं। इससे लाभ उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा होने वाला है जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो रोज़गार करते हैं, या फिर जिनका इंटर स्टेट ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है। मान के चलिए कि एक राज्य में वहाँ पर रहते हैं, उनका होम स्टेट है, बट किसी और काम से, जॉब की वजह से, या फिर बिजनेस, या फिर रोज़मर्रा की वहाँ पर कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनको किसी और राज्य में जाना आना पड़ता है। तो इसके लिए चाहते हैं आप कि जहाँ पे आपका आना जाना ज़्यादा है, फिर जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं करंटली जिस स्टेट में आप हैं वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं बट आपके पास आईडी प्रूफ्स नहीं है, तो ऐसी दशा में सबसे पहले आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव आपको फ्यूचर में मिलती रहे। दोस्तों, ऐसी दशा में आपको कुछ वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है जो वहाँ पर अगर आप बनवा सकते हैं तो आप जिस स्टेट में रह रहे हैं करंट वहाँ पर वहीं से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करते वक्त आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले तो जो होता है वो है करंट एड्रेस का और परमानेंट एड्रेस का। तो दोनों वहाँ पर एड्रेस आपसे मांगे जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप परमानेंट निवासी हैं जहाँ के, और करंट एड्रेस वो है जहाँ पर आप अभी मौजूद हैं ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करते वक्त। तो दोनों यहाँ पर पते को आपको डालना होता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, वो करंट एड्रेस और होम एड्रेस सेम डाल देते हैं। अगर आप सेम वहाँ पर प्लेस पे रह रहे हैं, नेटिव हैं, तो आप वहीं एक ही एड्रेस को दोनों में फिल कर सकते हैं। बट अगर आप रह कहीं और रहने पर आपका होम एड्रेस कहीं और है, तो आप दोनों में डिफरेंस ज़रूर रखिएगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर ऐसी स्थिति में लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके पास एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए, तभी आप उस करंट जहां पर आप रह रहे हैं जिस राज्य में वहां से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो अगर आपके पास वहां पर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप नहीं बनवा सकते हैं। तो सबसे पहला जो आईडी प्रूफ है वो एज प्रूफ का है, उसके बाद एड्रेस प्रूफ का है। दोनों में आप कौन कौन से दस्तावेज दे सकते हैं इसके ऊपर मैंने पहले ही जानकारी वीडियो के माध्यम से दी हुई है, ड्राइविंग लाइसेंस की प्लेलिस्ट वीडियो मौजूद, जाकर आप देख सकते हैं उसको। देखें जी, प्रूफ ऑफ जो वहाँ पर एड्रेस है उसमें आप क्या दे सकते हैं? एज प्रूफ जो डॉक्यूमेंट है उसमें तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट लगता है उसमें, वहाँ पर कोई एड्रेस वगैरह तो रहता नहीं। आप कहीं के भी आपका आईडी प्रूफ बना हो एज प्रूफ वाला, वो चल जाएगा। बट एड्रेस प्रूफ में आपका एड्रेस वहीं का देना पड़ेगा। तो इसमें स्थिति में क्या आपको करना है? इस स्थिति में आपको रेंट एग्रीमेंट देना होगा। अगर आपके पास है तो वो आप दे सकते हैं। उसमें आपका नेम बाकायदा मेंशन होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। उसके बाद मैं आपको जानकारी देता हूँ कि अगर आपके पास वहाँ पर लेटर हेड है तो उसको बनवा लीजिए, उसमें आपका नेम होना चाहिए और बाकायदा जो लेटर हेड हो वो आपके जहाँ आप रह रहे हैं जिस ज़िले के वहाँ से एसडीएम या डीएम कार्यालय से बन जाए तो वो बेहतर होगा। उसके साथ साथ आपके कंपनी का आईडी कार्ड होना चाहिए, अगर वहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें बाकायदा आपका नेम वहाँ पर और एड्रेस वेरीफाई करता हो, दिखता हो। तो लेटर हेड आप बनवा सकते हैं, आपका नेम एड्रेस होना चाहिए उसमें। आईडी प्रूफ जो आप देंगे वही मैं बता रहा हूँ, इसमें सब मेन जो मैंने आपको बता दिया कि रेंट एग्रीमेंट होगा वो, उसमें तो आपका नेम और एड्रेस होना चाहिए। या फिर वहाँ पर आप अपने कंपनी का आईडी कार्ड दे सकते हैं, उसमें भी आपके कंपनी का या आप जहाँ रहें वहाँ का एड्रेस और आपका नेम होना चाहिए। तो वन नेशन वन डीएल के तहत यह नियम लागू हो चुका है, एक देश एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक ही ड्राइविंग लाइसेंस होगा, यह ध्यान में रखिएगा। अब बार बार वहाँ पर आप एड्रेस भी चेंज नहीं करवा पाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको एक ही बार में करनी चाहिए। तो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से डॉक्यूमेंट अगर ये आप कलेक्ट कर सकते हैं 3-4 डॉक्यूमेंट, तो आप आसानी से बनवा सकते हैं। तो अगर कौन मैं आपके मन को डाउट क्वेश्चन अभी भी रह गया हो तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहीं पर, या फिर इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़कर पूछ सकते हैं, डायरेक्ट टेक्निकल आलोक जी हमारा
इंस्टाग्राम और ट्विटर का हैंडल है, फेसबुक पर अवेलेबल हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर भी अवेलेबल हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ जल्द ही नए टॉपिक साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।